नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 18, और पाठ संख्या 18 है पत्र लेखन। भाषा के द्वारा विचारों को प्रकट किया जाता है। हम परिस्थितियों, संकोच या दूरी के कारण कभी कभी हम संकोच करते हैं, कभी कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं या हम जिससे कुछ कहना चाहते हैं वो हमसे दूर होते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने के अप्रत्यक्ष माध्यम खोजते हैं। पत्र ऐसा करने का सबसे सरल और सुलभ साधन है। इसके माध्यम से अपने विचार या समाचार दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। मानव जीवन में पत्रों के महत्व को सदा से ही माना गया है। पत्र कई रूपों में लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरलता, संक्षिप्तता आदि गुण हो, कि पत्र सरल हो और छोटा हो, संक्षिप्त हो। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सब। पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध और पद के अनुसार कि आपका उससे क्या संबंध है और वो किस पद पर है, शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी बातें करनी है पत्र में शिष्टाचारपूर्ण करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं वो पत्र प्राप्त करने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। पत्र में व्यर्थ की बातें अथवा अशिष्ट शब्द नहीं लिखने चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत अच्छे ढंग से करना चाहिए। पत्र का नमूना है यहाँ पर पता, दिनांक, उसके बाद लिखेंगे आदरणीय, जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं, बाद में लगाएंगे जी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक, फिर शेष, फिर आपकी प्रिय पुत्री और अपना नाम लिख देंगे। पत्र लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता, कि आपका ये पत्र किसे मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पता लिखा हुआ है, प्रेषक का नाम मतलब भेजने वाले का नाम, ठीक है, और यहाँ पर अपने जिले का पिन कोड नंबर डाल देंगे। उपयुक्त संबोधन और अभिवादन, अपने संबंधियों, मित्रों, छोटों, बड़ों और बराबर वालों को किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु निम्नलिखित तालिका दी जा रही है, ताकि जब आप खुद पत्र लिखें तो आपको इसे समझने में आसानी हो। तो देखिए, जिसे पत्र लिखा जाना है वो यहाँ पर है, संबोधन यहाँ है, अभिवादन क्या करना है वो भी यहाँ है, और अंत में क्या लिखना है वो भी यहाँ है। गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों को जब आप लिखेंगे पत्र तो आप उन्हें संबोधित करेंगे मान्यवर, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, पूजनीय, ठीक है। अभिवादन करेंगे सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, और अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, कृपाकांक्षी और आपका विनीत। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन। अभिवादन करेंगे नमस्ते या फिर नमस्कार से। तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी सखी। यदि आप अपने से छोटों को कोई पत्र लिख रहे हैं तो आप उन्हें संबोधन करेंगे चिरंजीव, और अभिवादन करेंगे सप्रेम आशीर्वाद, प्रसन्न रहो या फिर स्नेह, शुभेक्षु, शुभचिंतक, तुम्हारी हितैषी, स्त्रीलिंग में शुभेच्छुका, शुभचिंतिका, हितैषिणी, ठीक है। अगर आप अपने जान पहचान वालों को पत्र लिख रहे हैं, परिचित जनों को, तो आप संबोधन करेंगे प्रिय, श्री या सुश्री, श्रीमती,
या फिर नाम भी लिख सकते हैं आप उनका, नमस्कार, नमस्ते, वंदे, और अंत में लिखेंगे भवदीय या भवदीया। अपरिचित जनों को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय महोदय, प्रिय महाशय, प्रिय महोदया। जैसे कि किसी अधिकारी को आपने पत्र लिखना है तो वो तो आपके लिए अपरिचित है ना, तो फिर इस तरह से लिखेंगे, नमस्कार, नमस्ते, वंदे, भवदीय, भवदिया। अब पत्र के प्रकार होते हैं, पत्र प्राय चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, प्रार्थना पत्र जो हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, आप लोग भी लिखते होंगे, व्यवसायिक पत्र और सरकारी पत्र जो हम सरकार के विभाग में सरकारी अधिकारी को लिखते हैं। यहाँ पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर पत्र लिखने का अभ्यास करो। व्यक्तिगत पत्र है ये, और पत्र है माता जी को ऊनी कपड़े भेजने हेतु पत्र। तो छात्रावास का यहाँ पर पता लिखा है, दिनांक तारीख लिखी है, पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी सकुशल होंगे। यहाँ मौसम में ठंडक बढ़ रही है, अतः आप मेरे ऊनी कपड़े अति शीघ्र भिजवा दें। कृपा चिंता ना करें, मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल है। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श, आदर सहित आपका प्रिय पुत्र कपिल। तो इस तरह से व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। अब है बहन को भविष्य की योजना बताते हुए पत्र। यहाँ पर छात्रावास का पता है, दिनांक, प्रिय दीदी, सादर नमस्ते, आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उत्तर देने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपने पत्र में पूछा कि भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। दीदी, मेरा ध्येय मतलब मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनना है। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने और लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखा है। इसे पूर्ण करने के लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ। शेष मिलने पर आपका स्नेहाकांक्षी प्रवीण। आगे चलते हैं। अब आपने जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र देना है, तो यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, प्रिय सहेली तृष्णा, नमस्कार, यहाँ सभी कुशलता से हैं, आशा है तुम भी कुशल होंगी। आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है, केक काटने की रस्म 6 बजे सायं मतलब शाम को, संगीत भरी शाम 7 बजे सायं, रात्रि भोज 9 बजे रात्रि। तुम इस कार्यक्रम में सप्रेम सपरिवार आमंत्रित हो, आशा है समय पर आकर उत्सव की शोभा बढ़ाओगी। शेष मिलने पर तुम्हारी अभिन्न सहेली ऋचा। मित्र को अनुशासन के महत्व समझाते हुए पत्र के, आप अपने मित्र को अनुशासन का महत्व समझा रहे हैं। छात्रावास का पता, दिनांक, प्रिय मित्र कमल, नमस्ते, आशा है तुम सकुशल होंगे। मैं कई दिन से तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु तुम्हारा कोई भी पत्र नहीं आया। कल मुझे पता लगा कि तुम्हें प्रधानाचार्य महोदया ने अनुशासनहीनता के कारण दंडित किया है। यदि यह सत्य है तो यह अच्छी बात नहीं है। मित्र, मैं तुम्हें समझाने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी मेरा विचार है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। इसके द्वारा ही विद्यार्थी अपना विकास कर सकता है और समाज में आदर प्राप्त कर सकता है। इसी के द्वारा हमें दूसरों से सहयोग मिल सकता है। हमें सदा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। शेष कुशल, तुम्हारा अभिन्न मित्र कैलाश। अब यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा है बच्चों,
ज्वर आने पर मतलब बुखार आने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य विनर्स पब्लिक स्कूल या जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, अंबाला कहाँ है आपका स्कूल, उस शहर का नाम। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल शाम को मैं वर्षा में भीग गया था, उससे मुझे तीव्र ज्वर हो गया। डॉक्टर ने 4 दिन आराम करने और दवाई लेने को कहा है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक 11 फरवरी से 14 फरवरी तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक डालेंगे वहाँ पर आप। आपका आज्ञाकारी शिष्य शेखर शर्मा, कक्षा 4, और आपका जो भी क्रमांक हो, अनुक्रमांक होता है ना सबका, रोल नंबर, वो लिखेंगे। प्रधानाध्यापक को बस के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक करण पब्लिक स्कूल अजमेर, मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय में कक्षा 4 में प्रवेश लिया है। मेरा घर सैनिक विहार में सेक्टर 5 में है, जहाँ तक विद्यालय की बस नहीं आती है। अगर आप सेक्टर 3 तक आने वाली बस को सेक्टर 5 तक आने के लिए कह दें तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। आशा है आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। सधन्यवाद। वहाँ दिनांक लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य संजीव सक्सेना, कक्षा 4, और क्रमांक। अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, इस पत्र को अब आप स्वयं पाठन करेंगे और हम आगे चलते हैं। चलिए, क्या पढ़ा, क्या सीखा, निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखो। हमने बहुत सारे पत्र पढ़े और अब आपको यहाँ पर ये सभी विषयों पर पत्र लिखने हैं। अपनी दीदी को स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु पत्र लिखो। निबंध प्रतियोगिता में अपने मित्र द्वारा प्रथम स्थान पाने पर उसे बधाई पत्र लिखो। आपने होली किस प्रकार मनाई, इसका विवरण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। अपने प्रधानाध्यापक को रिक्शा के प्रबंध के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। पिताजी की अनुपस्थिति में बीमार माँ की देखभाल करने हेतु विद्यालय से 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में शौचालय की समुचित सफाई व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। कारण, आपके पिताजी का तबादला हो गया है, अब आप विद्यालय छोड़ेंगे तो आपको कारण भी बताना है, तो कारण आपको यहाँ दिया हुआ है। मध्यांतर के पश्चात घर जाने की अनुमति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। तो बच्चों, हमने अभी बहुत सारे पत्र पढ़े हैं, तो आपको उसी नमूने का अनुसरण करते हुए इन सभी पत्रों को लिखना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप इन सबको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।